हाँ तोड़िए ना जी, तोड़िए। हाँ अंकल जी आएंगे लाठी लेके, एक व्यूअर्स के लिए। हाँ तो चल टूर करा रहे हैं हम लोग, तो कर लीजिए। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट का जो है फल है, ये शुरुआत में देखिए फूल होता है, उसके बाद जो है ये हरा हरा फल लगता है, तब जा कर के ये लाल होना शुरू होता है। गाइस कैसे हैं आप लोग? हाय। तो हम लोग अभी आ गए हैं एक बहुत ही अच्छा जगह, खूबसूरत जगह, जो कि मन कर रहा है यहीं पे घर बना के रह जाए। हाँ एक्चुअली में हम लोग गुजर रहे थे किसी काम से, तो देखिए रास्ते में एक खेत दिख गया। अब बताइए आप लोग ये क्या है, क्या चीज है ये, क्या चीज है ये आप लोग बताइए। देख लीजिए ड्रैगन फ्रूट की खेती हमारे इलाके में होने लगी है, ये सीमांचल इलाके में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है और बृहद पैमाने पर आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे क्या। सो हम लोग गुजर रहे थे, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जानते थे खेत को, मोबाइल से हम लोग देखे हुए थे ना जी ये सब चीज को, लेकिन जो है हम लोग पहली बार हम लोग विजिट कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा, देखिए एकदम पूरा एकदम ये लाल वाला है, अंदर काटेंगे तो ये लाल दिखेगा। सो हम लोग आ गए हैं। तो बताइए आप लोग कहाँ कहाँ खेती होता है, आप लोग के उधर होता है कि नहीं होता है क्या? हमारे इधर तो होने लगा भाई, होने लगा है भाई, सक्सेसफुली हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है। टूर करा रहे हैं हम लोग, तो कर लीजिए। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट का जो है फल है, ये देखिए अभी कच्चा है, दिखने में क्या लग रहा है, हरा लग रहा है। हाँ लेकिन ये जो है ना धीरे धीरे लाल हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, ये पूरा लाल हो जाएगा। इसी तरीके से कैक्टस का जो आप खेत देखे हैं कभी, सेम वही है। सो हम लोग जो है आ गए हैं, सोचे कि जो है शूटिंग कर लें यहाँ पर, आप लोग को दिखा दें। शुरुआत में देखिए फूल होता है, उसके बाद जो है ये हरा हरा फल लगता है, तब जा कर के ये लाल होना शुरू होता है। तो हम लोग सोचे कि दिखा दें आप लोगों को, इतना सुंदर अच्छा नज़ारा। सो अभी तो अंकल जी है नहीं, नहीं तो उनसे बात करते, उनका लड़का है, उनको खास इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए ड्रैगन फ्रूट का खेती कांटा है जी हमारे यहाँ, ड्रैगन फ्रूट इस तरीके से खेती हो रहा है। सो हम लोग आ गए हैं, आइए ना इधर, किधर है ये देखिए, यही लोग का खेती है ड्रैगन फ्रूट। आइए थोड़ा सा मचान तरफ आइए। सो यहाँ पे ये सब चीज़ जो है नहीं हुआ करता था, लेकिन जो धीरे धीरे सीमांचल क्षेत्र में फैल गया, और ये एक बार लगा देने के बाद लगभग 8 से 10 साल तक आप निश्चिंत रह सकते हैं। सो देखते हैं, आए हैं बात कराते हैं इसका क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है सब चीज का। जरूर। सो इस तरीके से ये देखिए, ये अभी छोटा छोटा है, लेकिन यही थोड़ा सा और बड़ा होगा 2-4 दिन में, तो इनको जो है फिर मार्केट भेज दिया जाएगा बेचने के लिए। अच्छा हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट का खेती हो रहा है, आप कहाँ आए हैं देखते हैं। हाँ विश्वास नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा, कितना सुंदर, और इसको करने का तरीका जो है देखिए, मोटरसाइकिल का टायर को लगा के पोल खंभा से गाड़ के इस तरीके से, फिर जो है ये होने में साल भर समय लगता है, उसके बाद जब फैल जाता है तो फिर ये पूरी तरीके से फैल जाता है। और इसको चलिए देखते हैं, खेत वाले से बात करते हैं, है कोई है इनका खेत है, इनका बेटा है, तो थोड़ा उनसे बात करते हैं। अच्छा अभी तुरंत आए, क्या नाम है आपका? बोलू सिंह। सो आप खेती के बारे जानते हैं, इसके बारे कुछ नहीं, आप नहीं जानते हैं, खैर कोई नहीं, इनके जो पिताजी है या चाचा, कितना दिन में तैयार होता है फिर भी थोड़ा बहुत बता देते। 45 दिन में फल तैयार हो जाता है,
अभी तोड़ने लायक नहीं है, अभी सब कच्चा है। सो कितना सुंदर दृश्य, ये बहुत ही अनोखा चीज़ है हम लोग के यहाँ, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में जो है इसकी खेती किशनगंज से शुरू हुई थी बिहार में। सो अब जो है चारों तरफ से फैल गया है, देखिए पूरा आपको हम भ्रमण करा रहे हैं। देखिए लाल लाल ये होता है, मेरी वाइफ तोड़ रही है, देखिए ये तो छोटा वाला तोड़ लिए जी। हाँ देखिए इस तरीके से है, ये लाल है इसके अंदर, तो आपको हम दिखा रहे हैं टेस्ट के लिए तोड़ के। हाँ तोड़िए ना जी, तोड़िए। हाँ अंकल जी आएंगे लाठी लेके। हाँ तो चलिए, हाँ तो भैया हाय कीजिए कम से कम आप। अरे हाय, ये जो है ना, सुनिए कहाँ पर है ये, बलवा 83 टोला बोलते हैं इसको, ये बलवा के 83 टोला में है। अगर आप लोग सीमांचल इलाके में है ना, तो आप कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के बलवा में आइए। और नाम क्या है अंकल का बता दीजिएगा, तो अंकल का नाम धनंजय प्रसाद सिंह, और ये है उनका बेटा है। तो आप आइएगा यहाँ से, जो है बृहद पैमाने पर आप ले सकते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी हो सके तो हम इसमें मेंशन कर देंगे जी। अभी हम लोग दिखा दिए आप लोग को ड्रैगन फ्रूट की खेती, अब हम लोग जा रहे हैं और कुछ उपहार के रूप में भी लेके जा रहे हैं इसमें बांध के। सो हम लोग दिखाए आप लोग को, बताइए कैसा लगा वीडियो आज का, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कितना अच्छा लगा हम लोग को इसी जहाज घूम के, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।